फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ वेजिटेबल व्हाइट पुलाव। हाँ, और क्या नीचे बात चल रही थी कि ये बचपन में बहुत सारा बनता था। ये आज है ना मेरी बेटी की फरमाइश पे है। हाँ। आज ये कमेंट्स में फरमाइश की वजह से नहीं बना रही हूँ। मेरी बेटी ना जीनात, उसने फरमाइश की, अम्मी तुम जो बचपन में बार बार बनाते थे व्हाइट पुलाव, अब बहुत दिन से नहीं बनाया, मुझे आज खाना है। तो ये बीच में घुस गया। कौन से पुलाव की बात कर रहे हैं? जल्दी बताओ, चैनल पे बनाओ अभी। तो बोले चलो ऊपर बनाते हैं। और क्या ऐसा थाल वाल में निकाल देते थे कुछ? हाँ, तो हम चारों एक साथ, वो इतना बड़ा थाल था ना, वो थाल में निकालते थे इतना सारा और चारों बैठ जाते थे मोड़ बना के। तो वही पुलाव मैं आज बनाने वाली हूँ। तो यानी ये हम लोग के बचपन का पुलाव है, समझ रहे हो? तो यार ऐसा कौन कौन सी आप लोगों की भी कुछ मेमोरी होगी तो जरा बताना कि आप लोग भी आपके बचपन में ऐसा कभी खाए हो, ऐसा राउंड बना के इतनी बड़ी प्लेट में बिरयानी, खिचड़ी, दाल चावल या फिर पुलाव, है ना? मैं बताऊँ। हम लोग है ना बोर्डिंग में थे तो हम लोग इतने बड़े थाल में ही खाना खाते थे। इधर टेबल पे तीन जन, इधर टेबल पे तीन जन, और थाल में ही आता था खाना। मुझे खिचड़ी का याद है, अम्मी मस्त गर्मा गर्म खिचड़ी लाते थे और ऊपर से इतना बड़ा ना मस्के का टुकड़ा डालते थे उसपे और ले सब खा रहे और गर्मा गर्म निकलते जाते थे खाते। मतलब ये ऐसी कुछ मेमोरी है जो कि ये बोलते ना याद आता है ना तो मजा आ जाती है। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे के वेजिटेबल व्हाइट पुलाव बनाने के लिए अम्मी क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम चावल, आलू, बैगन, फरस बीन्स, मटर, शिमला मिर्ची, फ्लावर, गाजर, प्याज, नींबू, हरी मिर्ची, ये पीसा हुआ हरी मिर्ची है, पुदीना, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, कोतमीर, शाही बिरयानी मसाला, और ये हमारे खड़े गरम मसाले, तेज़पत्ता, शाजीरा, काली मिरी, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, फूल और जावित्री। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो फिर से वही, सबसे पहले हमको चावल धोना है। पुलाव के लिए मैं चावल धो के भिगा लेती हूँ। ये 100 रुपीज वाले वही चावल है जो मैं बिरयानी में वापरती हूँ, ठीक है, बासमती राइस। तो देखो चावल धो ली मैंने, ये पूरे तीन पानी से मैंने धोई हूँ, तीन पानी से धोई हूँ और चौथा पानी डाल के इसमें रखती हूँ। और ये आधा किलो चावल है, ठीक है। अब हम इसको रख देंगे साइड में। अब मैंने दूसरे बाउल में पानी ले ली हूँ। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो ये जो सब्जी अक्की अक्की रखी थी ना मैं बताने, जैसा हो गया बैंगन, जैसा ये शिमला मिर्ची अक्की रखी हुई है, ये फ्लावर अक्की रखी हुई है, तो अब ये तीन चीज़ हम काट लेंगे। तो हम पहले ये पानी के अंदर है ना ये थोड़ा सा नींबू डाल देंगे, इससे क्या हमारी सब्जियाँ ना कटी हुई ये काली नहीं होंगी, ठीक है। ये पानी में एक चम्मच नमक डाल देंगे और इसको हिला देंगे। इसके बाद हम अब इसमें हमारी सब्जियां काटेंगे। तो हमने सब थोड़ी थोड़ी सब्जी लिए है, तो मगर आधा किलो चावल के अंदर मैंने पौना किलो सब्जी ली हूँ। जैसा गोश्त कैसा हम ले लेते हैं, आधा किलो चावल पे आधा किलो गोश्त, तो वैसा नहीं, सब्जी को पाव किलो ज़्यादा लेना, क्योंकि सब्जियाँ घुल जाती है ना तो सब्जियाँ गल जाती है। तो चावल के अंदर सब्जी कभी भी पाव किलो ज्यादा लेना। अगर आप एक किलो चावल ले रहे हो ना तो 1.5 किलो सब्जी लो, सब्जी मैश हो जाती है, अंदर घुल जाती, नहीं दिखती, इसलिए अब हमारी सब्जी काली नहीं होगी, ठीक है। बैंगन को हम पूरे, बैंगन भी देखो चावल में मिलते नहीं है, ठीक है, ढूंढना पड़ता है, बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए मैंने इसके सिर्फ 2 ही टुकड़े करे। आप चाहे तो इसके 4 टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन बैंगन मिलते नहीं है, गुम हो जाते। इसमें सिर्फ आपको मिलेंगे तो सिर्फ गाजर, और इसमें मिलेंगे तो आपको सिर्फ आलू, ये दो चीज़, और एक फरस बीन्स, ये तीन चीज़ बराबर आपको दिखेंगी। जैसा अभी ये फरस बीन्स भी हम डाल देंगे इसमें, अब डाल देंगे हम इसमें, नहीं हम मटर लास्ट में डालेंगे, आपको बताएंगे कैसा डालेंगे। हम डाल देंगे गाजर, क्योंकि मटर है ना गल जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्ची, मैं शिमला मिर्ची भी आपको बताती हूँ कैसा डालना है पुलाव में, अगर कभी डालें तो, क्योंकि शिमला मिर्ची एक भाप में गल जाती है ना, इसका टेस्ट अच्छा आता है करके डाल रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग है ना नहीं डालते।
और ये आपकी मर्जी, हाँ डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए, लेकिन मैं सारी सब्जियों का टेस्ट चाहती हूँ चावल में, इसलिए मैं डाल रही हूँ। और इससे पहले मैंने डाली हूँ ना आलू मटर का चावल, वो भी देख लेना जिसने नहीं देखा है, बड़े अच्छे बने थे। ठीक है, अब ये आलू है, ये आलू हम इसमें नहीं डालेंगे, हम इसमें तेल में इसको अलग से फ्राई करेंगे, इसलिए हमने इसको काट के अलग रखे हैं पानी में ताकि ये काले नहीं पड़े। ठीक है, तो चलो अब हम पकाने की तरफ चलते हैं, अब ये काले नहीं होंगे। तो चलो हमने पुलाव के लिए टोप रख दिए, अब हम डाल देंगे इसमें तेल, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, हाँ आधा घी आधा तेल भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ तेल डाल रही हूँ क्योंकि मैं घी ऊपर से डालती हूँ दम के टाइम पे। अब क्या करेंगे, हम इसमें आलू डाल देंगे हमारे पानी में से निकाल के, एक एक आलू, ताकि ये थोड़ा जल्दी गल जाए। तो मुंह पे नहीं आना चाहिए ना, मेरा भाला तैयार है। कैप्टन अमेरिका दिख रहा है हमें तो। हाँ सही बात है, आप लोग भी ऐसी ना बर्तन लेकर भाला मत लेना, आपके ऐसे ढक्कन वक्कन ऐसे साइड में रख के ही डालना, क्योंकि इसका जो तेल उड़ता है ना फिर बहुत बुरा चटका लगता है। ठीक है, अब हम थोड़ा हिला लेंगे इसको आराम से। तो चलो हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे अभी। तो चलो अभी मैंने ना आलू निकाल ली हूँ, अब वही तेल में हम गरम मसाले डाल देंगे, तेज पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, जावित्री, ये फूल, दालचीनी और ये काली मिरी शाहजीरा। ठीक है, इसका भी पटक पुटुक खुशबू आना चालू हो गई, थोड़ा गरम मसाले की खुशबू आए ना तभी ही सब कुछ छोड़ना चाहिए इसमें। अब ये चटक पटक कर रहा है, अब हम इसमें जल्दी से डाल देंगे हमारी ये प्याज। तो ये प्याज मैंने ली हूँ दो बड़े साइज की, इसको इस तरीके से करके डालेंगे ना तो ये जल्दी पकती है, गट्टे गट्टे डालेंगे तो जल्दी लाल नहीं होती है। ठीक है, और इसको एकदम लाल नहीं करना है, जैसा हम सालन में चिकन में गोश्त में करते ना उस तरीके से नहीं लाल करना है, क्योंकि ये वाइट पुलाव है ना तो इसमें प्याज पक जानी चाहिए और पिंक कलर की हो जानी चाहिए, गुलाबी गुलाबी, एकदम लाल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको दो मिनट तक हम पकने देंगे। तो देखो प्याज अच्छे से पिंकी पिंकी हो गई है ना, अब ये लाल होने की तरफ जा रही है। पिंकी 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 तो अभी हमको ये पिंकी पिंकी ही बस करना है, लाल लाल नहीं करना है। तो हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन। आप लोग देखते मेरे डिश में ना हमेशा अदरक लहसुन देखो ज़्यादा डालती हूँ मैं। मेरे को एक दो कमेंट्स आए थे कि आंटी आप अदरक लहसुन क्यों इतना डालते हो। बेटा मैं ना कोई भी चीज़ बनाऊँ, चाहे वेज में बनाऊँ, चाहे चिकन में बनाऊँ, या मटन में बनाऊँ, या मच्छी कड़ी में बनाऊँ, मुझे अदरक लहसुन है ना हमारे शरीर को खुद मांगता है। हम लोगों को अदरक लहसुन बचपन से खाने की आदत है, और अदरक लहसुन है ना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। चाय में भी अदरक डालते हैं? हाँ, क्यों मालूम? क्योंकि ना बहुत सारी बीमारी दूर रहती है, ये अदरक लहसुन है ना शरीर के लिए बहुत फायदा है। आप लोगों को इसके टॉपिक पे ना किसी दिन वीडियो बना के बताऊंगी मैं, हार्ट अटैक की दवा बताऊंगी, सिरप अंकल के लिए जैसा मैंने बना के रखी थी, 3 साल से पिला रही थी मैं अंकल को हार्ट की सिरप घर में बना के। तो कमेंट कर देना अगर चाहिए तो किसी को। हाँ, कोलेस्ट्रॉल कम करने की वो सिरप है। ठीक है, अब देखो अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया है, अब डालेंगे हम ये हरी मिर्ची पूरी पिसी हुई, इसमें भी 2-4 कली लहसुन की पिसी हुई है। हाँ, मिर्ची के साथ। ये कितनी मिर्ची पिसी हुई हमने? ये 4 से 5 मिर्ची पिसी हुई है, और ये 4 से 5 मिर्ची अक्खी है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्ची की बुक्की, धनिया की बुक्की, ये सब नहीं डालेंगे ना। अच्छा, तो दोनों तो मिर्ची क्यों डाले, अक्खी भी और पिसी भी? देखो पिसी भी इसलिए डाली हूँ कि तीखापन ज़्यादा लगे, और ज़्यादा एकदम जिसको बहुत ज़्यादा तीखा खाने का रहता है उसके प्लेट में हरी मिर्ची निकाल के डाल देने का, दे भाई चबा के खा और थोड़ा डेकोरेट के लिए। नहीं नहीं डेकोरेट के लिए नहीं, मतलब किसी किसी को और ज़्यादा तीखा चाहिए ना तो उसके प्लेट में एक्स्ट्रा में हरी मिर्ची दे देने का कि चबा के खाओ ऐसा।
तो देखो अभी हमारा ये हो गया है, हमने अदरक लहसुन भी भून लिए, अब ये भी भून लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम डाल देंगे हमारी ये फ्राई किए हुए वापस से आलू। अब डालेंगे हमारी सब्जियाँ। देखो सब्जियाँ आप देख रहे हैं, पानी अभी तक मेरा कैसा है ना। और देखो मेरी सब्जी ज़रा भी नहीं हुई ना काली, है ना। ना तो ये बैंगन आप काट के रखो, ये दो मिनट में काली हो जाती है। आप बैंगन के चार टुकड़े भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बड़े बड़े ही रख लिए। माशाल्लाह अच्छा लगती है ये, बहुत खाने में टेस्टी है। जैसा मेरा मटर पुलाव था ना टेस्टी, वैसा ये भी टेस्टी है। बस इसमें हम ना काजू वाजू नहीं डालेंगे, ये सिर्फ वेजिटेबल के हिसाब से ही बनाएंगे। इसको थोड़ा सा एक भाप अच्छे से पका लेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग, एक मिनट तक मैंने पकाई। देखो मेरे लाल लाल हो गए बैंगन, मस्त है ना तेल में अच्छे से। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें डाल देंगे हम हमारे मटर। मटर सबके लास्ट में डालेंगे क्योंकि ये तो गली जाते हैं। मटर स्टार्ट से इसलिए नहीं डाली थी मैंने। अब इसमें ऐड करेंगे हमारा दही, ये 200 ग्राम दही है, ठीक है। इसमें टमाटर नहीं पड़ते हैं ना, तो दही डाल देंगे और एक नींबू डाल देंगे। नींबू डालने से क्या होता है, चावल हमारे खिले खिले बनते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक चम्मच नमक भी डाल देंगे ताकि हमारी सब्जियों को अच्छे से नमक लग जाए। डेढ़ चम्मच डाल देंगे। बस अभी दो मिनट के लिए हमारा दही का पानी सूखे तक ज़रा भून लेंगे। तो चलो दो से तीन मिनट हो गया है दही डाल के, दही भी हमारा अच्छे से पक गया है। अब क्या करेंगे हम, इसमें ये डालेंगे हमारा शाही बिरयानी मसाला, ठीक है। अब ये कैसा है, पाव किलो चावल जैसा एक गिलास चावल बना रहे ना, तो सिर्फ एक ही चम्मच डालना। दो गिलास चावल बना रहे हैं तो दो चम्मच डालना, ठीक है, क्योंकि इसमें भी गरम मसाला रहता है ऐसा। तो इसके लिए मैंने पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डाली, ठीक है, खाली खड़े गरम मसाले डाली थी और ये शाही मसाला डाली। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा नींबू। तुमने लास्ट टाइम फरान मसाला डाले थे। हाँ, अभी ये भी मैंने यूज करी ना बिरयानी मसाला, तो अच्छा लगा इसके लिए आप लोगों को लाई बताने। नहीं, कमेंट आया था कि हम लोग कहाँ से लाए फरान मसाला। अच्छा ऐसा था क्या, क्या नहीं, आप शाही बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं, कोई भी पुलाव मसाला डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फरहान का ही डाले। चलो मैं एक नींबू पूरा डाल रही हूँ, एक यहाँ मैं निचोड़ के फेंक चुकी हूँ। अब ये दूसरा देखो, बीज भी चली गई। तो चलो नींबू भी डाल दिए हमने, अब डाल देंगे हम हमारी कोथमीर, ठीक है। हमने थोड़ी सी कोथमीर रख ली है साइड में। अब इसमें डाल देंगे पुदीना, और थोड़ी पुदीना रख दिए हमने साइड में। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी। अब हमारा चावल भी भीग गया है आधे घंटे से, है ना। चावल हमने भीगने रखे थे हमने पुलाव का टोप रखने के पहले, अब आधे घंटे से हम पुलाव की तरफ आ गए। हमारा चावल पूरा भीग के वहाँ अच्छे से नरम हो गया है, ठीक है ना। तो ये दो गिलास पानी मैं अभी इसमें डाल दूंगी पूरा, ठीक है। मेरा दो गिलास चावल है तो मैं दो ही गिलास पानी डालूंगी, अगर मुझे लगे तो ऊपर से फिर और डालूंगी, क्योंकि ये बासमती चावल है, इसमें सोच समझ के पानी डालना पड़ता है। आप लोगों को इससे पहले भी बताई थी मैं कि कुकर में बनाएंगे तो थोड़ा कम पानी लगता है, टोप में थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है ना। लेकिन भीगे हुए चावलों को पानी थोड़ा कम लगता है, तो हम इसको बॉयल आने देते थोड़ा। तो चलो देखते हैं पानी बॉयल हो गया है। वाह, पानी तो बॉयल हो गया है। अब क्या करेंगे, पहले हम इसमें ना हमारे चावल के हिसाब का नमक डाल देंगे। हमने नमक डाले थे भाजी के हिसाब में, है ना। तो अभी मैं इसमें दो चम्मच नमक डाल दी हूँ, दो गिलास चावल के हिसाब से। आप अपने हिसाब से डालना, मैं मेरे हिसाब से डाल रही हूँ। सब नमक कम ज़्यादा खाते ना अपने अपने घर के हिसाब से।
अभी अभी ये चावल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने के लिए, है ना। ये कौन से चावल है? बासमती चावल 100 रुपीज वाले। हाँ तू अभी मत बोलना कुछ भी मेरे से क्योंकि मैंने ऐसा कुछ पूछ के अभी तक आई नहीं हूँ उसके लिए देखना पड़ेगा चिकन टिक्का की बिरयानी। हाँ तो उसमें बताऊंगी मैं, ठीक है जरूर बताऊंगी। चलो तो देखो मैंने ना 2 गिलास फुल भर के इसमें पानी डाली थी, अब इसमें चावल डाल दी हूँ, भाजी डाल दी हूँ। अगर पानी ऊपर नीचे कुछ लगेगा तो हम बाद में इसमें थोड़ा ऐड करेंगे। अब हम फिलहाल इसको ढक के रख देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए, ठीक है। तो चलो 5 मिनट हो गए। वाओ देखो पानी तो सूख गया है, तो अभी अभी गाजर तो हमारा कच्चा है और चावल भी अभी कच्चे ही लग रहे हैं, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे अभी इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। कम से कम इसमें मैंने 1.25 गिलास पानी और डाली, ठीक है। अब इसको अच्छे से इस तरीके से नीचे से हिलाएंगे ताकि पानी हमारा नीचे जाए अच्छे से। अब इसको हम दम पे रखेंगे धीमी आंच पे। अब ये दम पे ही पकेगा भी और गलेगा भी। तो चलो देखते हैं 1.25 गिलास पानी डाल के फिर मैंने रखी थी ना इसको 10 मिनट के लिए। वाह माशाल्लाह। हाँ चावल तो मेरे अच्छे गल गए हैं, मेरा खाना तैयार है। अब क्या करेंगे हम गैस स्लो कर देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे ये हमारी घी थोड़ा सा। पुलाव में ना घी का देंगे ना टच बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोली थी ना कि मैं ऊपर से डालूंगी थोड़ा, आप लोग पकाने के टाइम पे भी डाल सकते हैं कि आधा घी और आधा तेल। तो मैंने अभी हाँ अब हमने डाल दिए घी। देखो घी भी हमारा फटाफट पिघल गया। अब ये थोड़े से पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा ये कोथमीर। अब ये मेरा पुलाव हो गया रेडी, लेकिन फिर भी मैं इसको 1-2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ दूंगी, गैस मैं बंद कर दूंगी, लेकिन इसको 2 मिनट के बाद ही निकालेंगे। तो चलो 2 मिनट हो गए। हाँ तो देख रहे हैं आप लोग, ये देखो क्या मस्त बना ना खुले खुले चावल मेरे। ये पुलाव मेरा हो गया रेडी, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा वो वेजिटेबल पुलाव जिसमें अम्मी ने कोई भाजी नहीं छोड़े, जो मिली वो डाल दिए। एक दो भाजी तो आजू बाजू वाले से भी लेके हमने डाले इसमें। झूठ बोल रहा है। अभी क्या है ना भाजी जब चिकन खाते ना तो भाजी से तो ऑप्शन रहती है, समझ रहे ऑप्शन। तो अरे अभी भाजी में भी 5 से 6 भाजियां जिसमें से भी 2-4 ऑप्शन है। जैसे अभी भाई कौन खाता है, मतलब खाते रहेगी लेकिन मेरे को नहीं पसंद क्या बैंगन खाली वो भरा हुआ बैंगन जो मैंने बनाया था मसाले वाला, मेरे को तब जाके बहुत अच्छा लगा था। और बचपन में हमारी कहावत थी कि बैंगन खाने से मुंह खुजाते हैं। कुछ नहीं होता है, सब बचपन में सुन लेते, बच्चे वही पकड़ के बैठ जाते हैं। दही खाने का रहता था नहीं, ये मैं नहीं खाता हूँ, मेरा मुंह खुजाता है। सही है। चलो दादो निकालो खाई आज। समझदार हो जाने के बाद है ना बच्चे जरा लोचा हो जाता है। जब तक छोटे रहते ना माँ बाप जो बना के दो वो चुपचाप खा लेते। तो सही में मैंने जो डाले वो तो नाम है क्या, मैं फरस बीन्स खड़ा वाला फरस बीन्स। अब क्या जैसा जैसा बड़े हो जाते ना गाजर होटलों की मजे आ जाते। बस अभी ये भी एक ट्रिक है जब वेज बनेगा ना घर में बस ऐसा लग रहा है लॉलीपॉप है ये। देखो चिकन का लॉलीपॉप बेटा उसको लॉलीपॉप समझ। ये भी हंसी पे मत जाओ, ये ऊपर वाली हंसी है। देखो ये ऐसा कर रहा है, लेकिन बहुत से लोग मटन जो नहीं खाते जो सही में वेजिटेरियन है उन लोगों के लिए ये डिश कितनी अच्छी है, लेकिन ये है ना ये काफी नहीं है। अभी ये डिश सिर्फ जो चिकन मटन नहीं खाता उसके लिए रहनी चाहिए ना, मेरे लिए तो एक दो चिकन भाजी तो ट्राई करते रहेगा।
चलो ऐसा होता है ना, इसके लिए डायलॉग मार रहा है क्योंकि मेरे घर में बनता है ना, ऐसा कुछ हो गया तो मैं फ्रिज में हमेशा मसाला लगा के रखती हूँ ना, तो जल्दी से बोलेगा वेजिटेबल बना है ना मेरे लिए, रोटी फ्राई कर दो ना, इसको मिल जाती है ना, इसके लिए और इसमें तो अभी एक साथ में सब भाजियां नहीं डाल पाऊंगा मैं, तुम्हारे लिए स्पेशली तुम्हारे लिए ना बैगन लेता हूँ। हाँ लेना, मुझे बड़ा पसंद आता है बैगन की सब्जी, आलू आलू बैगन की सब्जी। मैंने देखो इसमें ना बैगन लिया हूँ, कैरेट है, फ्रेश बीन्स है, वटाने हैं और कुचुम्बर है, और ये रहा पहला निवाला। लो मैं बिस्मिल्लाह, पानी आया मुँह में, आया पानी। अब मेरी डाइट, चलो मैं भी लिया पहला बैंगन, फिर गाजर, चना, बहुत अच्छा फ्रेश बीन्स। अब ये मेरा फिर बड़ा निवाला है, आओ बिस्मिल्लाह करो। पुलाव है ना यार, तो मजा तो रहेगा ही, तो वे जो है चिकन मैं खाता हूँ, बहुत मस्त बना, मस्त है, बहुत अच्छा है। कौन सा मसाला था मैं, शाही पुलाव मसाला। ये पुलाव देखो वैसा ही लग रहा है जो वो फोटो में था ना, कौन कौन एग्री करता है बताना है, देखो सेम लग रहा है, बाकी मस्त बना है। हमें और खाइए, शाही नहीं, शाही बिरयानी मसाला है। हाँ हाँ दिख रहा है, इसी था ना उसमें फोटो बराबर। हाँ मैं भी सोच रही थी ये कहाँ पे बोल रहा है, सेम सेम जो मसाले के पैकेट पे जो फोटो है ना वही दिख रहा, बोल रहा है ये। अच्छा बनाया, मैं खाने की स्पीड से समझ ही गया क्या। अच्छा रहेगा तो फटाफट खाता हो। तो वीडियो कैसा लगा, एकदम फटाफट झटपट वाली रेसिपी थी क्या? नहीं हाँ एकदम फटाफट बनती है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, कहीं से थक के आए कुछ आए तो, जैसा फ्रिज में जितनी भाजी है, जरूरी नहीं है कि मैंने बैंगन ली तो आप भी बैंगन लो, जरूरी नहीं है कि मैंने फ्लावर ली तो आप भी, आप अपनी पसंद की सब्जी डाल चिकन भी ले सकते हो। हाँ कन्फ्यूज कर देता हूँ, अभी वेजिटेबल पुलाव में चिकन कहाँ से आने वाला, चिकन ले सकते हो। हाँ मैं ये बोल रही थी कि आप आपकी पसंद की दो तीन भाजी में भी पुलाव बना सकते, आलू मटर फूलगोभी गाजर, आपको बैंगन डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए, चिकन खा। हाँ क्या बोल रहे, जैसा मैंने डाली, जरूरी नहीं सेम भाजी ढूंढ के वही बनाना, ऐसा नहीं है, जो भी आपके पास घर में रखी है फ्रिज में आप वो भाजी निकाल के भी झटपट ये पुलाव बना सकते हैं। इसमें हल्दी मिर्ची धनिया टमाटर गलाओ, ये गलाओ वो गलाओ, प्याज लाल करो, वो सब शॉर्ट रहता ही नहीं। देखे ना समझ गए, पिंकी पिंकी कर देगा, ज्यादा लाल करने का टेंशन नहीं, अदरक लहसुन डाले सब मस्त बन जाते हैं। और अदरक लहसुन के फायदे भी बताए मैंने, बहुत अच्छे फायदे हैं। हाँ तो यार वो जो अपने जो रस सिरप या फिर जूस, हार्ट के रिलेटिव में बोल रही थी जो काढ़ा में बना, हमारे अब्बा काफी टाइम से पी रहे हैं, 4 साल से पूरा कंटिन्यू पी रहे हैं, तो माशाल्लाह भी कोलेस्ट्रॉल भी कम है और माशाल्लाह भी मसाले वाले खाने थोड़ा बहुत माशाल्लाह चालू कर दिए है, और बहुत अच्छे तंदुरुस्ती अभी बहुत अच्छी है उनकी, जो कंडीशन में वो बीमार हुए थे बहुत ज्यादा थे ऐसा। ठीक है देखो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो, हाँ तुम लोग ये लाइक कर दो पहला, ठीक है, और जो हमारे चैनल पे नया है, जो हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो भाई कब करोगे सब्सक्राइब, अभी कर दो, हमारी डिमांड है आप लोगों से प्लीज सब्सक्राइब करो, और जरा शेयर करो ये पुलाव उलाव जो खाता हो वेज वाले, पहुंचा दो वहां तक, है ना मम्मी, और कुछ बोलना चाहेंगे मम्मी? नहीं मैं बोलती हूं रिक्वेस्ट है, कर दो कर दो यार, प्लीज कर दो प्लीज। ठीक है चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, या फिर चिकन टिक्का बिरयानी के वीडियो में, मतलब कभी भी आ सकते हैं, तुम लोग कमेंट करते रहो, समझ रहे हो। चलो फिर टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।